भगवान ने अगर रोग बनाया है तो उसका इलाज भी बनाया है। भगवान ने कुछ ऐसे लोगों को वरदान दिया है जो निशुल्क सेवा भाव में विश्वास रखते हैं। उन्हीं में से एक हैं श्री वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र जी कितने ही सालों से सैकड़ों पेशेंट्स की जान बचा चुके हैं। जी हाँ, वो मालिश करते हैं अपनी शफाकत भरी उंगलियों से। आइए बात करते हैं श्री शर्मा से। नमस्कार शर्मा जी, आपने मालिश करके रोगियों का कष्ट निवारण कब से शुरू किया? मेरे को कम से कम 30 साल हो गए इस काम को करते हुए, और ये मेरे ख्याल से गिनती तो कोई नहीं है, जितने मैक्सिमम हो सके मैंने किए हैं, और 95% रिजल्ट जो है क्योरमेंट का ठीक ही आया है। शर्मा जी, आपके हाथों में हुनर कैसे आया? ये काफ़ी पहले की बात है, हम लोग मेरठ में रहते थे और वहाँ पीर बाबा की मज़ार हुआ करती थी, और वो पीर बाबा इस काम को किया करते थे, प्रेडिक्शंस प्लस पेन्स वगैरह की रिलीफ। तो पढ़ते थे उस टाइम, तो यही लालच था कि चलो ये काम सीखते हैं तो 4 पैसे अच्छे कमाएंगे। तो उस लालच में 2-3 साल पीर बाबा की सेवा करते रहे। लास्ट में उनसे पूछा कि हमें भी कोई हुनर दो इस चीज़ का, ताकि हम भी कुछ कर सकें। तो उन्होंने एकदम यही जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम इस धंधे से पैसा कमाना चाहते हो, ये सेवा है ना कि बिजनेस है। उनकी डेथ के बाद सपना ही आया, जिसमें एक तरह से वरदान ही मिला कि आज के बाद निस्वार्थ अगर कोई सेवा करोगे तो ये फलेगी। सो तब से मूड बन गया, काम शुरू है। शर्मा जी, आप बताइए प्लीज़ हमें कि किस तरह के रोगी ज़्यादा आते हैं, किस रोग से वो पीड़ित ज़्यादा होते हैं? सी, इधर मैक्सिमम जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक, घुटनों की दर्द, ऐसे रोगी जो हैं वो काफ़ी हैं, और मैक्सिमम सर्वाइकल के आ रहे हैं, क्योंकि आजकल सिटिंग पोस्चर सबका गड़बड़ है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा उठ रही हैं। शर्मा जी, एक प्लीज़ हमें बात बताइए कि आप कितने देर तक उनका मालिश करते हैं, कितने दिनों तक उनका इलाज चलता है कि उनके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाए? सी, ये डिपेंड करता है कि तकलीफ़ कितनी देर से है, उम्र कितनी है, और अगर नॉर्मल है तो 3 संडेज मैक्सिमम, नहीं तो 5 लग जाएंगे, तो रिजल्ट्स काफ़ी बेटर मिले हैं। ओके, शर्मा जी, आपके पास लोग दिल्ली, बहुत दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे कि अपना प्रिकॉशंस किस तरह लेने चाहिए? प्रिकॉशंस, एक तो डाइट, उसके ऊपर कंट्रोल देना है, प्लस फिजिकल एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट, जो कि हम लोगों में बहुत कम है। सो मैक्सिमम इज़ फिज़िकल एक्सरसाइज, और उसी से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। शर्मा जी, आप हमें एक बात बताइए कि आजकल जितनी टेंशन और डिप्रेशन की शिकायतें हो गई हैं, आप उनका भी इलाज करते हैं? वेल, टेंशन्स तो अपने हाथ में है, जितनी बढ़ा लो, उनका तो कोई इलाज नहीं है। बाकी इन तकलीफ़ों का ज़रूर है कि किसी तरह की भी होगी तो उसके लिए हम बैठे हैं, करेंगे। शर्मा जी, आप ये निःशुल्क सेवा करने के अलावा आप क्या क्या और करते हैं? बेसिकली मैं मेंटेनेंस मैनेजर हूँ, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, उसमें भी मशीनरी में तेल ही लगना है, तो बॉडी मशीनरी में भी तेल ही लग रहा है, सो ऑयलिंग इज़ अ मस्ट, सो उसी से लोग ठीक हो रहे हैं। शर्मा जी, आप हमें एक और बात बताएं कि आप अपना व्यक्तिगत जीवन और अपना ये सेवा भाव का जीवन जो है उसमें कैसे संतुलन लाते हैं? देखिए, ऐसे है, इतवार का दिन टाइम निकालना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेके चलना पड़ता है कि आधा दिन छुट्टी दे दो भाई, ताकि ये सेवा कर सकें। सो, इस तरीके से मैंने तो अपनी सारी रूटीन्स जो हैं कैंसिल कर रखी हैं, कोई रिश्तेदारी की शादी है, ब्याह, कोई चीज़ अटेंड नहीं कर रहा। संडे फर्स्ट हाफ एटलीस्ट मैं फ्री चाहता हूँ, कोशिश यही है कि सैटरडे भी अगर शुरू कर दूँ तो। सो, देखते हैं आगे क्या बनता है। श्री वीरेंद्र शर्मा जी के पास दूर दराज से काफ़ी लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। इनकी जन सेवा का उल्लेख कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में किया गया है। Thank you.
आइए अब कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्हें शर्मा जी की जादू भरी उंगलियों से लाभ मिला है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसेस कैलाश है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सर्विस करती हूँ। मैंने एक बार शर्मा जी का अखबार में पढ़ा कि शर्मा जी सर्वाइकल का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैंने पीजीआई से अपना इलाज करवाया। पीजीआई में मैं 2 साल इलाज करवाती रही, उन्होंने मुझे 2 बार ट्रैक्शन दिया, पर ट्रैक्शन के बाद मुझे हर हफ्ते एक अटैक हो जाता था जिससे मैं ऐसे चलती थी जैसे भूचाल आ रहा हो ऐसा महसूस होता था। तो जब मैंने शर्मा जी से पढ़ा, मैंने शर्मा जी से बात की, तो उन्होंने मुझे 2 हफ्ते ही खाली बुलाया, संडे के संडे। उसके बाद मुझे आज तक सर्वाइकल का कोई अटैक नहीं हुआ है। तो अब कुछ दिनों से मेरी बैक में प्रॉब्लम है, 2 संडे मैं पहले आई हूँ, 3रा संडे अब है, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। मैम ये कितने साल हो गए आपको यहाँ पर आते हुए शर्मा जी के पास? सर्वाइकल के लिए तो 2 साल मैं पहले आई थी, उसके बाद मैंने शर्मा जी के पास आना बंद कर दिया, क्यों, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। मुझे जो भी लोग सर्वाइकल वाले मिलते थे तो मैं इन्हीं का ही एड्रेस देती थी। पहले ये साइन केतन स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ से अब इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया तो लोग यहाँ पे आना शुरू कर दिया है, तो मुझे अब इनसे आने के बाद बहुत रिलीफ मिलता है। अब हमारे साथ हैं श्री हरिचरण सिंह। सिंह साहब आपको क्या तकलीफ है और आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे कंधे में रिस्ट्रिक्शन है और पीजीआई में ट्रीटमेंट करवाया तो ये ठीक नहीं हुई, तो शर्मा जी के पास आया, उन्होंने यहाँ पर मालिश की और उससे अब काफ़ी रिलीफ है। पहले मैं ऊपर नहीं उठा सकता था, दर्द होता था, अब आराम से उठा सकता। मेरा नाम केडी शर्मा है, मुझे घुटने की प्रॉब्लम है, किसी ने मुझे बताया भी ये शर्मा जी ठीक करते हैं, तो फर्स्ट टाइम संडे पिछले आया और सेकंड टाइम वहाँ आया, तो इससे मुझे 10% का तो फ़र्क है। मैं आर्मी से रिटायर्ड सुबेदार मेजर हूँ, मुझे 14-15 साल से सर्वाइकल और लो बैक है, बैक एक है। मुझे एक पेशेंट यहाँ पर मिला, उसको टांग में तकलीफ थी और बैक में मेरे ख्याल पीजीआई वालों ने उनकी डिस्क वगैरह चेंज करने के लिए बता दिया था, तो उसी ने मेरे को बताया कि आप शर्मा जी के पास जाइए, शायद आप ठीक हो जाएंगे। तो उनकी बात सुन करके मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ और लोगों से भी मिला, उनसे सभी बोल रहे हैं कि हमें तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, संडे के संडे यहाँ आना है और 3-4 मीटिंग में लोग यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से दुआएं देता हूं कि शर्मा जी के हाथ की कला से और लोग भी ठीक हों और तंदुरुस्त रहें। से इलाज करा रहा हूं 3 हफ्ते से और मुझे एंकल में बिल्कुल 100% ठीक हूं मैं, लेकिन बाजू में थोड़ी सी है तकलीफ, वो भी इनकी कृपा से ठीक हो जाएगी। और बहुत से मैं उम्मीद करता हूं शर्मा जी गुड विशेज हमारे साथ हैं, हमारे भी गुड विशेज इनके साथ हैं कि सब पेशेंट ठीक हो जाएंगे। मेरा नाम है जी टी आर शर्मा और मेरे एक कंधे में बहुत दर्द था, पीजीए गया, उन्होंने कहा जी ये हड्डियाँ आपकी ख़त्म हो गई हैं, घिस गई हैं, ये मुश्किल है, दवाई खाते जाओ या इसको चेंज करवाओ। फिर मुझे किसी ने बताया शर्मा जी हैं, वो ये काम करते हैं, और मैं 3-4 दफ़ा यहाँ आया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं वैसे लोगों को देख के भीड़ ज़्यादा सेवा करने के लिए आता हूँ, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शर्मा जी का बहुत ही हाथ साफ है और मैं छोटा जब था 6-7 साल का तो मैं छत से गिर गया था, शर्मा जी को बताया मैंने, इन्होंने जब पहली दफ़ा मेरे को हाथ लगाया, मैंने कहा शर्मा जी एक आदमी मुझे मिला था आज से 60 साल पहले, उसने मुझे हाथ लगाते ठीक कर दिया था, आपका हाथ वैसा ही है, और वैसा ही हुआ। 1-2 दफ़ा मरने से इसका मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी वही हड्डियाँ हैं, ये कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। इधर ये मैं इसको उठाना होता था पकड़ के अपने आप या दूसरे के सहारे से, मतलब मैं जेब में हाथ नहीं डाल सकता था, अब मैं दौड़ सकता हूँ, सब ठीक है। शर्मा जी को देखकर जिनके मन में सेवा भाव जागा वो है श्री पीआर पिल्ले, आइए उनसे मिलते हैं, ये शर्मा जी के साथी हैं। आप यहाँ पे कब से आ रहे हो और आपके अंदर ये सेवा भाव कैसे जागा? ऐसा तो मैं इधर 2 महीने से आया हुआ है, मेरे पास हम दोनों ऑफिस में एक ही साथ काम कर रहा है, फिर उधर से मेरे को ऐसा काफ़ी टाइम से मैं दिल में सोच रहे शर्मा जी के साथ थोड़ा बहुत सेवा कर दो, पब्लिक के साथ थोड़ा बहुत डीलिंग करके थोड़ा सा दिल को शांत करने के लिए सोचा था। ऐसा एक मौका शर्मा जी ने मेरे को बोला था चलो आ जाओ, मैं वही टाइम से बड़े तो बहुत खुश है, ऐसा तो सेवा का एक मौका मिल गया, अभी आने वाला टाइम में भी ऐसा सेवा करने के लिए सोच रहे। हर संडे को करीबन 100-125 तक पहुँच रहे, काफ़ी बंदे को मेरे को वापस भी करना पड़ता है, नाराज होकर भी कभी मेरे ऊपर नाराज भी करते, किसी का नंबर नहीं लिखते, किसी का ड्रॉप करते, मेरे को ऊपर बहुत नाराज भी करते। मैं तो मेनली बंदे का नाम एंट्री करते, वही हर एक नाम के हिसाब से बंदे को शर्मा जी के पास भेज दे।
आज के डेट में अभी 108 नाम तो मैं लिख चुका है, अभी 2-3 बार खड़ा है लिखने के लिए, मेरा तो यही काम है इधर सेवा का। श्री वीरेंद्र शर्मा जी के पास बहुत दूर दराज के इलाकों से भी रोगी आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ इनका यश फैलता है वहीं वहीं से लोग आते हैं इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पर आएंगे तो उनकी शफाकत भरी उंगलियों से उनको कुछ राहत मिलेगी। भले ही सरकार से इन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला लेकिन श्री वीरेंद्र शर्मा का अथक प्रयास अभी भी जारी है इसी उम्मीद से कि समाज की भलाई होती रहे। सर, अगर आपको बाहर से रोगी मिलना चाहें या चंडीगढ़ के ही रोगी मिलना चाहें तो आपको कहाँ कहाँ और किस किस टाइम पर मिल सकते हैं? इतवार तो फिक्स्ड है कि इधर तो आना ही है, मैंने तो हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में तो फिक्स है ही है कि इधर आना ही है। 38 डी में तो संडे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक तो मैं इधर हूँ, वो तो पेशेंट्स अटेंड करना ही है। इसके बावजूद अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉन्टैक्ट कर ही लेते हैं।